कैश बुक कर लिया हमने, एक होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक क्या थी? कैश बुक इट इज अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक विच रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। कितना कैश आया, कितना बैंक में पैसा आया, कितना कैश गया, कितना बैंक से हमने पेमेंट करी, एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितने पैसे हैं कैश के फॉर्म में और बैंक बैलेंस। अब बिजनेस में, कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो मतलब आप एक बड़ी कंपनी थे, वरना तो आप सिर्फ जर्नल बना रहे होते, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थी तो आपने सब डिवाइड कर दी अपनी ट्रांजैक्शंस। तो बड़ी कंपनी है, एक होता है सीनियर मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, एक होता है पेटी कैशियर। क्या होता है? एक पेटी कैशियर। अब मुझे अगर ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर लेना है तो मैनेजर की अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं है? छोटा खर्चा है, बड़ा खर्चा है? सर बड़ा खर्चा बड़ा खर्चा है, मैनेजर की अप्रूवल की जरूरत है। मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लेनी है, पंखे, ट्यूबलाइट, कुछ भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। छोटा खर्चा है, बड़ा खर्चा है? बड़ा खर्चा छोटा खर्चा नहीं है, बड़ा खर्चे में ही आएगा ये, तो अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन गेस्ट आए, मुझे दूध खत्म हो गया और दूध लेके आना है, तो छोटा खर्चा है कि बड़ा खर्चा है? बड़ा खर्चा सर छोटा खर्चा है। तो अब हम मैनेजर के अप्रूवल की जरूरत है इसमें। नहीं सर। और सोचो, मैनेजर की मीटिंग चल रही थी कहीं और, तो हमने कहा कि अभी रुक जाओ, पहले मैनेजर से अप्रूवल आएगा तब जाके हम कहीं आपके लिए चाय बिस्किट अरेंज कर पाएंगे। तो ऐसा मतलब लॉजिकल है? नो सर। नहीं, नो सर मैनेजर ने कहा कि यार इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने किसको बोला? पेटी कैशियर को। पेटी छोटे मोटे, तो पेटी कैशियर का मतलब क्या होता है? पेटी कैशियर हमारे ही ऑफिस में एक एम्प्लॉई है जिसको हम अथॉरिटी देते हैं कि ये ले बेटा 5,000 रुपए रख, छोटे छोटे खर्चे अपने एंड पे ही मैनेज करना, बस इसका हिसाब मेंटेन कर लेना। तो जिस बुक में वो हिसाब मेंटेन कर रहा है उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। लॉजिक तो समझ आ गया होगा कि पेटी कैश बुक क्यों मेंटेन हो रही है। ठीक यस सर। है, तो व्हाट इज अ पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक इज अ बुक व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स। बिसाइड्स पेटी एक्सपेंसेस, रिसीट्स फ्रॉम द मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। तो पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? छोटे छोटे खर्चे और जो उन्होंने पैसे रिसीव करे थे। दो ही टाइप की ट्रांजैक्शन होंगी, पेटी कैशियर ने पैसे रिसीव करे और पेटी कैशियर ने खर्चा करा। तो कह रहे एक्सपेंसेस के अलावा और क्या रिकॉर्ड हो रहा है? रिसीट फ्रॉम द मेन कैशियर। तो अकाउंटेंट ने पेटी कैशियर को पैसे दिए तो पेटी कैशियर के पास पैसे आए। तो ध्यान से देखना, दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ट्रांजैक्शन वन, व्हेन कैश इज रिसीव्ड बाय द पेटी कैशियर फ्रॉम द मेन कैशियर। फ्रॉम द मेन कैशियर, पेटी कैशियर ने पैसे रिसीव करे मेन कैशियर से, तो पैसे किसके पास आए? पेटी कैशियर के पास। पैसे किसके पास आए? पेटी कैशियर के पास। बट हमारी बुक्स में पेटी कैश बुक अलग है। हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? हमारी बुक्स में से कैश बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बिजनेस में से कैश चला गया पेटी कैशियर के पास। सर, पेटी कैशियर भी तो हमारा ही है, एक सेपरेट एलोकेशन हो गई ना। लेकिन फिर भी बिजनेस में से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए या 2,000 रुपए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, निकला और पेटी कैशियर के पास गया। तो यस सर ध्यान से देखना, एंट्री बड़ी मजेदार है, बड़ी सिंपल सी है। एंट्री है पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक सेकेंड।
एक चीज चलो यहाँ पे कर लेते, पेटी कैश डेबिट क्यों हुआ, पेटी कैश डेबिट क्यों हुआ, ये भी हमारा एक एसेट होता है, हमारे एसेट्स बढ़ गए। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, हमारे एसेट्स कम हो गए, कैश बैलेंस कम हो गया लेकिन पेटी कैश का बैलेंस बढ़ गया, पैसे मेन कैशियर से पेटी कैशियर के पास चले गए, तो मेन कैश बैलेंस कम हो गया, पेटी कैशियर का बैलेंस बढ़ गया, तो पेटी कैश टू कैश जनरल एंट्री समझ आई? यस सर। दो ही टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, पहली ये और दूसरी व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर। पेटी कैशियर के पास पैसे आए, उसने फिर खर्चे करे, तो जब खर्चे करे तो क्या एंट्री होगी, जो भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू पेटी कैश। तो क्या ये खर्चा मेन कैशियर करेगा या पेटी कैशियर? सर पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर के पास जो अवेलेबल कैश बैलेंस था वो कम हो जाएगा। फ्री के मार्क्स हैं अगर इस पे क्वेश्चन आया तो, मतलब आप इससे बड़ी टेक्निकल चीजें करके बैठे हुए हो तो ये उसके लिए सामने बहुत लाइट होगा, कैश बुक स्ट्रॉन्ग है, ये फ्री के मार्क्स होंगे बट फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अभी वो देख लेंगे। एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। पेटी कैश क्रेडिट क्यों हुआ, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। दो ही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, पेटी कैशियर के पास पैसे आए और पेटी कैशियर ने खर्चा करा। क्लियर है दोनों की जर्नल एंट्रीज? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। पेटी कैश बुक इज अ बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट्स बिसाइड्स पेटी एक्सपेंसेस। तो ये तो हो गए पेटी एक्सपेंसेस। तो व्हेन पेटी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर, तो बिसाइड्स पेटी एक्सपेंसेस रिसीट्स फ्रॉम द मेन कैशियर आर रिकॉर्डेड। तो ये दो टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पेटी कैश बुक इज लाइक अ पेटी कैश अकाउंट एंड इज मेंटेन्ड बाय द पेटी कैशियर। रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश बताई दिया आपको, पेटी कैश गिवन टू द पेटी कैशियर फॉर स्मॉल अमाउंट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में हम क्या दिखाते होंगे, बाय पेटी कैश। तो जर्नल एंट्री क्या हुई, पेटी कैश टू कैश। क्लियर है कि अगर मैं कैश बुक बना रहा होता तो कैश बुक में कैसे दिखाता, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आ रहा होता बाय पेटी कैश। क्लियर है एंट्री और उसकी प्रेजेंटेशन? यस सर। ठीक, तो मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक क्लियर है, दो ट्रांजैक्शंस आएंगे वो क्लियर है। सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश बुक, सिस्टम्स ऑफ पेटी कैश कह रहे दो तरीके हैं बनाने के, एक है सिंपल सिस्टम और एक है इंप्रेस सिस्टम। मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक और ट्रांजैक्शंस में किसी को डाउट?